हम लोग जो लोग अपने हमारे कोर्स हम लोग करते हैं एजुकेशन एंड मॉडर्निटी, तो उससे रिलेट करके मैं कुछ बात सोचा कि रख दूं आपके सामने। दो एस्पेक्ट्स रियलिटी के हम आपको आपके सामने रखना चाहते हैं कि एवरी रियलिटी हैज एवरी वास्तविकता एवरी वस्तु हैज टू एस्पेक्ट्स। एक एस्पेक्ट है जो दिखाई देता है हमको, सेंसोरियल है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, स्पर्श कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और एक एस्पेक्ट है जो जो सेंसोरियल नहीं है, यानी इंद्रिय सापेक्ष नहीं है, इंद्रिय निरपेक्ष है। तो जैसे आप कोई शब्द लेने हैं ना, वर्ड, वर्ड जो है वो हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं अगर लिखा हुआ हो तो, तो उसको मैं इंद्रिय सापेक्ष कैटेगरी में रख रहा हूं। बट वर्ड जो है वो किसी चीज को डिपिक्ट कर रहा है, वर्ड इज डिपिक्टिंग समथिंग, इंडिकेटिंग समथिंग विच इज रियल, अदरवाइज दैट वर्ड हैज नो मीनिंग। यू नो ऐसे भी वर्ड, जो बच्चे लोग बहुत सारे साउंड्स बोलते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जिन वर्ड का वर्ड है इसका मतलब उसका कोई मीनिंग है, मीनिंग है मतलब वो कोई रियलिटी है, मीनिंग है, अर्थ अगर है तो अर्थ किसका, तो अर्थ जो है वो कोई ना कोई रियलिटी का है। तो अर्थ और शब्द ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बट एक तरफ अर्थ एक तरफ शब्द। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो उस वो आंख से नहीं देख सकते, कान से नहीं सुन सकते, उसको समझना पड़ता है ना? और वो समझ करके वो जो रियलिटी है उसके उसका वो अर्थ होता है। जैसे पानी है एक रियलिटी है और उसका एक अर्थ है, और फिर उसका एक शब्द है जैसे वाटर या पानी या नीर या व्हाटएवर। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल द थिंग्स हैव टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये लोग सेपरेट नहीं है, दे आर विपरीत नहीं है, दे आर जस्ट दिस एक ही चीज के दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। तो मुझे ये लगने लगा धीरे धीरे कि जो मॉडर्निटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अगर हम दो इसको थोड़ा लिख देता हूं, एक तरफ हम जो सेंसोरियल है या इंद्रिय सापेक्ष है, और दूसरी तरफ ये है इनटैंजिबल बोलिए, या आप ये भी बोल सकते हैं बियॉन्ड सेंसेस इंद्रिय निरपेक्ष। ये शब्द पे उतना मत जाइएगा, मेरा निवेदन है, ट्राई एंड गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वर्ड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम सेइंग उसमें। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको हम स्थिति का नाम दे देते हैं और इसको गति का नाम। अब होता क्या है, और इधर ही मैंने कहा ये है अर्थ, इधर है शब्द। मेरा ये प्रतिपादन है कि मॉडर्निटी ने, या उससे भी पहले हम जाए भारतीयता में, जब आप डिसीजन लेते हैं, आप कोई चीज का मूल्यांकन करते हैं, आपको कंक्लूड करते हैं, कुछ नतीजे पे पहुंचते हैं, तो उसका आधार भारतीयता में इस तरफ होता है, स्थिति की तरफ। इसको और गहराई में जाएंगे। और मॉडर्निटी ने, आज की आधुनिकता ने हमारा फोकस यहां से शिफ्ट करके यहां कर दिया। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं,
तब जुड़े, जैसे दो साइड ऑफ एक ने कह रहा है सिक्के के दो पहलू की तरह, लेकिन आपका डिसीशन मेकिंग किसके आधार पे होगा, आप कंक्लूड किसके आधार पे करेंगे, आप मूल्यांकन इवैल्यूएशन किसके आधार पे करेंगे, तो इवैल्यूएशन इस आधार पे होने लगा है मॉडर्निटी में। इसी में पैसा आता है, इसी में जितनी भी चीजें हम लोगों को दिखाई देती है, कल कोई बात कर रहे थे स्टेटस की और इसकी शायद आप यही बात कर रहे थे ललित, तो वो सबका सब गति नति की तरफ, आप अपना मूल्यांकन और दूसरे का मूल्यांकन उस तरफ देख के करते हैं जो लोग मॉडर्निटी में फंसे। तो आप कौन से कॉलेज में गए, मैं कौन से कॉलेज में गया, आपको कितने नंबर मिले, मुझे कितने नंबर मिले, आपके आप कौन से नौकरी कर रहे हैं, मैं कौन सी नौकरी कर रहा हूं। तो ये हम एक प्रस्ताव रख रहे हैं आप लोगों के सामने और मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोग उस पर ध्यान दें, इफ इट मेक सेंस मे बी यू नो यू कैन कनेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये कई दिनों से हम लोगों के ये हम लोगों ने इस तरह का एक काम किया है जो हम कोर्स करते हैं एजुकेशन और मॉडर्निटी में, उसमें भी इसकी बात करते हैं। तो प्रस्ताव ये है कि अगर एक तरफ भारतीयता है, भारतीय चित्त मानस काल जिसकी हमने बात की, और एक तरफ आज की आधुनिकता है, तो ये दोनों में असेंशियल फर्क जो है बहुत सारी हम लोगों ने बात की। अब ये मैं जो रख रहा हूं इसमें अगर कुछ कनेक्ट होता हो तो आप देखिए, हम ये कह रहे हैं कि देयर आर टू साइड्स ऑफ रियलिटी, वन विच इज विजिबल और विच इज सेंसोरियल, जो इंद्रिय सापेक्ष है, और दूसरी है जो इंद्रिय निरपेक्ष है, वो दिखाई नहीं देती, उसको समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। जैसे शब्द और अर्थ, शब्द आप सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये सेंसोरियल है, और परंतु शब्द का बेसिस ही है कि कोई ना कोई रियलिटी है, उसको वो डिपिक्ट कर रहा है, उसको वो इंडिकेट कर रहा है, अदरवाइज वो निरर्थक है आपके लिए, वो निरर्थक है, निरर्थक है। तो अर्थ शब्द का अर्थ हुए बिना उसका कोई मतलब नहीं है। बच्चे बहुत सारे साउंड्स क्रिएट करते हैं, वो साउंड है, वो फिर शब्द नहीं है, वो सिर्फ एक आवाज है। तो शब्द को मैं सेंसोरियल साइड के नीचे रख रहा हूं और अर्थ को मैं इंटेंजिबल या बियॉन्ड सेंसेस साइड में रख रहा हूं, पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, पृथक नहीं है, एक दो एक ही रियलिटी के दो पहलू। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरफ इसको हमने एक नाम दिया है स्थिति, इसको एक नाम दिया है गति। गति यानी करना या दिखना, करना करना दिखता है, हम कुछ करते हैं वो दिखाई देता है, उसको हम देख सकते हैं, यानी सेंसेस से मैं देख सकते हैं, और जो दिखता है वो तो है ही, दिखना दिखना दिखाना करना, ऑल दिस इज दिस साइड, और ये कौन सा साइड है, ये होने वाली साइड है, होना, और ये है करना दिखना इत्यादि हो जाए। होना, तो जब मैं यहां आया तो जैसे मैंने बताया उस महिला ने कहा आप होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ, आज के स्कूल दिखना दिखाना सिखा रहे, या बहुत हुआ तो करना भी सिखा रहे, इसमें कोई गलत नहीं है, यानी ये रॉ ये गलत है ये सही ऐसा नहीं बोला जाता, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। खाली प्रश्न यह है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं, जब हम कंक्लूड करते हैं, जब हम किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन के बहुत सारे डिसीशंस लेते हैं, उसका आधार इस तरफ होगा या इस तरफ। आधुनिकता में पूरा का पूरा ध्यान इस तरफ शिफ्ट हो गया, इस और कंपैरिजन इसी साइड में पॉसिबल है,
पैसा हो, स्टेटस हो, नौकरी हो, कपड़े हो, कोई भी चीज हो, उस ये सारा का सारा दिखने दिखाने करने वाले एस्पेक्ट में आते हैं, और उस जो भी दिखने दिखाने वाला एस्पेक्ट है उसमें कंपैरिजन असंभावी है, बिकॉज इट हैज नो इंट्रिंसिकनेस. द इंट्रिंसिकनेस लाइज दिस साइड. इंट्रिंसिकनेस जब मैं कह रहा हूं, इंट्रिंसिकनेस से मेरा मतलब है वो जो जब तक वो वस्तु है उसमें वो रहेगा, वो उसकी इंट्रिंसिकनेस है. यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट. फॉर इंस्टेंस क्लोथ्स, द इंट्रिंसिकनेस ऑफ क्लोथ्स इज दैट इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर बॉडी. राइट, जो कपड़े हम पहनते हैं, सम काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेदर कंडीशंस, दैट इज इट्स एसेंशियल इंट्रिंसिकनेस. जब तक वो कपड़ा है या जब तक उसमें ये प्रॉपर्टी है वो कपड़ा है. जिस दिन ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी वो कपड़ा नहीं रहेगा, वो कोई रैग हो जाएगा या कुछ और आप उसको बोलेंगे. तो ये दिस दैट कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम इट. व्हाट कैनॉट बी टेकन अवे इज लाइज ऑन दिस साइड. तो हम अगर दो शब्द और करें जस्ट टू एक्सप्लेन, जैसे एक तरफ प्राइस यानी कीमत और दूसरी तरफ मूल्य वैल्यू. या तो प्राइस, दिस इज नॉट अ, ये क्या है कि इसमें एक और चीज है जो हमको ध्यान जानी चाहिए कि ये वाला जो कॉलम है इसमें चीजें बदलती रहती है, फिक्स्ड नहीं रहती. जैसे इसका इसकी कीमत आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगी, परसों कुछ और हो जाएगी, पहले कुछ और थी, और ये स्थान विशेष में भी बदलेगी. कैंटी में एक दाम है, दिल्ली में कुछ और होगा, कहीं और होगा. बहुत बहुत साधारण तरह से आप देख सकते हैं. दिस कीप्स चेंजिंग दिस पैराडाइम. ये जो है इसका जो मूल्य है, एबिलिटी टू राइट, एज लॉन्ग एज ये काम की चीज तभी तक है जब तक ये एबिलिटी टू राइट, तब तक हम इसको पेन बोलेंगे. अदरवाइज वी विल नॉट कॉल इट अ पेन, वी विल से इट्स बिकम अ ट्रैश. ट्रैश का जो है, ट्रैश शब्द कुछ और चीज को डिपिक्ट कर रहा है, किसी और अर्थ को डिपिक्ट कर रहा है. पेन किसी और चीज को डिपिक्ट कर रहा है. पेन की कीमत बदलती रहती है, जस्ट लाइक ट्रैश की कीमत बदलती रहती है, लेकिन पेन की जो इंट्रिंसिकनेस है, जब तक वो पेन है उसकी इंट्रिंसिकनेस रहेगी. जिस दिन वो इंट्रिंसिकनेस नहीं रहेगी, आप उसको पेन बोलना बंद कर देंगे, उसका मूल्य खत्म हो गया, वो चीज खत्म हो गई. मूल्य में नहीं बदलता. यहां भी वही मूल्य होगा, दिल्ली में भी वही मूल्य होगा, आज वही मूल्य है, कल भी वही मूल्य होगा, एज लॉन्ग एज इट इज पेन. बट द प्राइस कीप्स चेंजिंग. सो वी नीड टू सी ये पैराडाइम को थोड़ा हम समझे. व्हाट आई एम सेइंग इज कि भारतीयता में मोटे तौर पे डिसीशन मेकिंग, कंक्लूडिंग, किसी चीज को समझने का आधार इस तरफ था. That doesn't mean this was negated. ये है, लेकिन प्राइमेसी इसकी है, प्रायोरिटी इसकी है. इन आज जो हो रहा है मॉडर्निटी में, दिस इज ऑलमोस्ट इग्नोर्ड. नॉट जस्ट इग्नोर्ड डेलिबरेटली, इट इज नॉट देयर इन आवर परसेप्शन. हमारी दृष्टि में दोष आ गया है, हमको ये दिखाई नहीं देता. और कभी कभी कुछ ग्लिम्स भी मिलती है, पर ये दिस इज प्रीडोमिनेंट. सो ऑल आवर डिसीशंस, ऑल आवर कंक्लूजन्स, ऑल आवर इवैल्यूएशन आर बेस्ड ऑन दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ऑफ रियलिटी, नॉट लाइफ. अब इसको कनेक्ट करके आप देखिए चीजों से, कोई भी हम जब अपना मूल्यांकन, अपना सेल्फ का भी मूल्यांकन करते हैं,
तो किस आधार पे करते हैं। इसमें और बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, मतलब ये बहुत वो मत इसको बहुत वैसे मत लीजिएगा। आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट समथिंग। फॉर इंस्टेंस आई कीप सेइंग कि एजुकेशन में, आज की शिक्षा में नॉलेज और इंफॉर्मेशन को का घर में हो। सो यू पिक अप अ बुक ऑफ जनरल नॉलेज इन द मार्केट एंड इट हैज नो नॉलेज इन इट, इट इज ओनली इंफॉर्मेशन, उसमें सिर्फ जानकारी है। तो अगर मैं ऐसे एक सेकेंड के लिए रखूं, एक तरफ इंफॉर्मेशन रखूं या जानकारी रखूं और दूसरी तरफ नॉलेज रखूं, इसको इससे मत जोड़ना, बट यू नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ डिस्टिंक्शन। नाउ इसका नेचर जो है इंफॉर्मेशन का वो ये है कि ये बदलते रहते हैं, ये एक जैसा नहीं रहता। जो इंफॉर्मेशन आज आपके लिए वैलिड है वो कल नहीं वैलिड है। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम विद स्पेस बोथ। इंफॉर्मेशन कैन बी करेक्ट और इट कैन बी इनकरेक्ट, जस्ट लाइक फैक्ट। अब थोड़ा सा हम देखें कि क्या इंफॉर्मेशन और नॉलेज में घालमेल नहीं हो गया, और क्या इंफॉर्मेशन को हमारे साधारण आदमी के, पढ़े लिखे साधारण के दिमाग में इंफॉर्मेशन हैज रिप्लेस्ड नॉलेज, उसको ऐसा लगता है इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। किताब में भी यही है, जनरल नॉलेज बट इट इज इंफॉर्मेशन। तो कितनी बड़ी एक बात हो रही है और इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। नॉट अ सिंगल बुक एंड थ्रू आउट, ये पूरे दुनिया में है कि जनरल नॉलेज के नाम पे जो किताब बिकती है बाजार में उसमें नॉलेज है ही नहीं, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, पर वो बिक रही है और चल रहा है उसका असर। ये तो ठीक है, एक हो रहा है, लेकिन उसका जो असर है साधारण पढ़े लिखे के दिमाग में वो क्या हो रहा है, वो वहां ध्यान देने की बात है। वो ये हो रहा है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में उसकी डिस्टिंक्शन नहीं रहा, जबकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज बिल्कुल अलग अलग चीज है। ये बदलता रहता है, ये स्टेबल है। ये एक बार आपको समझ में आ गया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको तो हमेशा आपको याद ही रखना पड़ेगा या नोट करके रखना पड़ेगा, कंप्यूटर में करें या डायरी में करें। इंफॉर्मेशन का कोई और तरीका है ही नहीं, आपको याद ही रखना पड़ेगा। नॉलेज एक बार समझ में कोई बात आ गई ठीक से तो वो फिर आपकी होगी, लेकिन ये रिप्लेस हो गया। उसी तरह फैक्ट इज रिप्लेस ट्रुथ, बिकॉज आज जो जमाना चल रहा है, जिस जमाने में हम रह रहे हैं उसमें कहा जा रहा है, ये बहुत जोरों से कहा जा रहा है कि कोई सच नाम की कोई चीज नहीं होती है, सबका अपना अपना सच होता है, सबका अपना अपना सच नहीं होता, सबका अपना अपना परसेप्शन होता। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है, लेकिन सच नहीं होता अपना, सच तो एक ही होता है। और जब आपको सच समझ में आता है तो फिर कोई डाउट नहीं रहता है। जब तक डाउट रहता है इसका मतलब समझ में नहीं आता। सच इज समथिंग दैट इज एक्चुअली वेरी सिंपल इन अ वे। मैं अल्टीमेट सत्य की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे सत्य हैं जिसको आप समझ जाते हैं तो आपको एक आत्मविश्वास होता है कि ऐसा ही है। और कैसे वो आता है, क्योंकि आप बोलते हैं ये जो मैंने समझा है, दूसरा आदमी भी जब समझता है ऐसा ही समझेगा, और आपको उसको जाके पूछने की जरूरत नहीं होती। आपको बैठे बैठे, ये हमारी एक खूबसूरती है मनुष्य की कि वो अपने आप कई चीजें दूसरों के बारे में जानता है। हम ये नहीं जानते कि आपको मीठा पसंद है कि खट्टा पसंद है, ये मैं नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा आपसे, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको सम्मान के साथ रहना पसंद है,
कोई आपका सम्मान करता है आपको अच्छा लगता है, ये मुझे पता है। और आप अगर सचमुच में किसी का सम्मान करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, सचमुच में, झूठा मूठा नहीं। जब जब आप सचमुच में किसी का सम्मान करते हैं, किसी कोई एंसेस्टर का, कोई रिलेटिव का, कोई गुरु का, किसी का भी या कोई फ्रेंड का, तो आपको अच्छा लगता है तुरंत। इट्स एन आउटकम ऑफ दैट, दिस इज हाउ वी आर मेड। सो दिस इज सत्य। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जो हम जानते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, और उसके लिए मुझे जाके पूछने की जरूरत नहीं है किसी से। मुझे पता है कि ऐसा ही सबके साथ है। दिस इज द ब्यूटी, बिकॉज मुझे ये पूछना पड़ेगा कि आप कौन सा रंग पसंद है, कौन सा खाना पसंद है, कौन सा किस तरह का वातावरण पसंद है, ये सब हमको पूछना पड़ेगा। आपकी प्रेफरेंसेस मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपके ऐसे हैं जिसको मैं पूछने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं दूसरे के बारे में, वो सभी सत्य की कैटेगरी में आते हैं। अभी क्या है, ये इसमें सब में घाल मेल हो रहा है, एंड द फोकस हैज शिफ्टेड हियर एंड दिस इज बीइंग लार्जली इग्नोर्ड। सो व्हाट हैपेंस, उसका रिजल्ट क्या होता है, वो उसमें स्टेबिलिटी है ही नहीं। इट्स लाइक फैशन, कि आज ये रंग फैशन में है, कल वो रंग फैशन में, या ये कपड़ा फैशन में है, वो कपड़ा फैशन में, या ये गाड़ी फैशन में है, वो गाड़ी, या ये कोर्स इंजीनियरिंग फैशनेबल है या मैनेजमेंट फैशनेबल है, एंथ्रोपोलॉजी फैशनेबल है या साइकोलॉजी फैशनेबल है, लिबरल आर्ट्स के कॉलेज फैशनेबल है या IIT फैशनेबल। So this is, then you are subject, you don't have control in your hands in that sense. You are subject to the trend of the day. So jo system hai, uska aaj ka system, uski koshish hai, aur wo built hi aise hua hai ki aapka focus yahan pe. Aur phir aapko dekhna hai, इंडिविजुअलिज्म का जो हमने बात की वो इसके साथ उसका अलाइनमेंट, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म एंड कंपैरिजन वो हैंड इन हैंड, एंड कंपैरिजन इसी पैराडाइम में हो सकता है, इस पैराडाइम में कंपैरिजन नहीं हो सकता। इफ आई एम ऑनेस्ट एंड यू आर ऑनेस्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। If I am courageous and you are courageous, there is no comparison. If I am patient, you are patient, there is no comparison. तो जो समाज की बात हम कर रहे हैं, समाज जो है वो इस तरफ इसके लिए ज्यादा conducive है। It doesn't ensure कि ऐसा ही हो जाए, but it tends to shift your focus from there to here, just like today's world tries to shift your focus here.